किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, फरवरी का मध्य आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि सभी किसानों ने अपने अमरूद में कटिंग कर ली होगी। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस माह में कितने कितने बड़े अमरूद की कटिंग होती है और दो साल तक के अमरूद की कटिंग होगी या नहीं और दो साल से बड़े की अमरूद की कटिंग होगी या नहीं। किसान भाइयों, मेरे पास एक खेत है जिसमें मैंने जून 2019 में 25 जून 2019 को मैंने पौधे लगाए थे अमरूद के। पहले मैं आपको उन अमरूदों को दिखाऊंगा और एक मेरे पास पेड़ हैं जो मैंने हाई डेंसिटी पर 22 जून 2018 को लगाए थे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किन पौधों की कटिंग करनी चाहिए इस महीने में और किन पौधों की नहीं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमने 25 जून 2019 को लगाए थे पेड़। ये जो पौधा है ये 25 जून 2019 का प्लांटेशन है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मैंने रीप्लांट किया है, उस खेत से लाकर इस दूसरे खेत में लगाया है। इसका कारण मैं अभी बताऊँगा आपको। तो इस पौधे की कटिंग हमने अब करनी है। जिन्होंने भी जून 2019 में या सितंबर अक्टूबर में लगाए हैं उनको अपने पौधों की कटिंग करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, जो पहली कटिंग है हमने वो यहाँ पर की थी, ये की थी, दो फीट पर की थी हमने। ये देखिए, ये दो फीट पर यहाँ से की थी और जब यहाँ से की थी तो इसमें देखिए आपको चारों तरफ को शाखाएँ निकली हैं। जो ये शाखाएँ निकली हैं, अब हमने इसके बाद क्या बताया था, अपनी पहली वीडियो में बताया था कि नीचे से लेकर डेढ़ फीट तक, दो फीट पर हमें कटिंग करनी होती है, दो फीट पर यहाँ पर, और हमें डेढ़ फीट तक इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखिए हमें कोई शाखा नहीं छोड़नी। डेढ़ फीट तक आप कुछ भी मत छोड़िए। अब आपको इसमें ये जो हमारी शाखाएँ हैं, एक दो और ये हमारी तीन और ये हमारी चार, इन शाखाओं को हमें अब कटिंग करनी है। देखिए हमें इसे कैनोपी का रूप देना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर तक ये आप भूरे रंग की है तो हम इसे यहाँ से काट देंगे। इसी प्रकार ये जो ये शाखा है इसको हम लगभग, ये देखिए आप एक से डेढ़ फीट तक आप रख सकते हैं और कोशिश करिए कि जहाँ तक ये जो है ना इसको ये भूरी शाखा हो यहाँ तक काट दीजिए, इसको इस प्रकार काट दिया। इसी प्रकार ये वाली जो शाखा है आप इसको काट, ये काट दीजिए। किसान भाइयों, आज मेरे पास कोई वीडियो शूट करने के लिए नहीं है तो, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में। इसी प्रकार ये वाली जो शाखा है इसको यहाँ से काट दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके सारे पत्ते, किसान भाइयों अगर आप धीरे से हटाना इन पत्तों को, ये देखिए इसका एक फ़ायदा है जो मैंने बताया था कि इन पत्तों में कोई एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, यानी जो भी भोजन वगैरह होगा पौधे को खुराक मिलेगी वो ये पत्ते नहीं लेंगे। और अब आप देखना, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कल्ले भी चलने शुरू हो गए, ये ध्यान से देखें। और आप देखना अब से 10 दिन बाद आप देखना, ये मैं इसको तोड़ देता हूँ पत्ते इसके और फिर मैं दिखाता हूँ। बस ये आपकी कटिंग हो गई, आपकी तैयारी हो गई। ये देखिए अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि इसमें ये चार शाखाएं बची हैं,
एक, ये दो और ये तीन और ये चार। अब इनमें से कल्ले फूटेंगे, हम देखेंगे हर ये जितनी भी गांठें हैं इसकी, यहाँ पर जहाँ भी पत्ते थे सब जगह से आपको कल्ले फूटेंगे। और इनमें से फिर हम लगभग एक माह बाद हम इनमें से फिर चुनाव करेंगे, हमें कौन से रखने या नहीं रखने। किसान भाइयों, ये कार्य मैंने पहले बताया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर 4 से 6 इंच जगह छोड़िए और फिर इसके बाद 1 फीट तक लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके चारों ओर थोड़ी गहरी खुदाई करिए, इसमें खाद डालिए। कम से कम आपको 10 किलो गोबर की खाद डालनी है और इसमें कम से कम 60-70 ग्राम DAP और 30-40 ग्राम पोटास डाल दीजिए। ये डालकर मिला दीजिए और फिर इसमें पानी दे दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो दूसरे प्लांट हैं वो कैसे लग रहे हैं जब मैंने कल उनकी कटिंग की थी। चलिए पूरी लाइन देखिए आप, ये पूरी लाइन। तो इसमें मैंने कटिंग कर दी है अपने अमरूद की, ये देखिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, उस कटिंग के बाद इसमें मैंने ये खाद लगवा दिया है। ये खाद पड़ा हुआ है और खाद लगाकर ये ड्रिप डाल दी है। अब इसमें हम पानी दे देंगे, क्योंकि इसमें चना लगाया हुआ है बीच बीच में, तो इस प्रकार हमने इसमें ड्रिप से पानी दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा है। अब इसमें आप देखेंगे तो कल्ले निकलने शुरू हो गए। बस ये मैंने कल की थी कटिंग इसकी, आज 19 फरवरी है और इसमें चूँकि गर्मी का महीना शुरू हो चुका है थोड़ा सा, और अब कल्ले चलने शुरू हो गए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार जो आपने जून में लगाए हैं पौधे, उनकी कटिंग करिए, उनमें खाद लगाइए और पानी दीजिए। पौधे चूँकि छोटे हैं, ये 6 महीने के हैं, तो इनमें गर्मियों में आपको पानी देने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर तीसरे चौथे दिन अगर ड्रिप है तो ड्रिप चलाइए, नहीं तो सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दीजिए। और इनके आसपास आप देखेंगे लाइन बिल्कुल साफ है, इनके आसपास आप सफाई रखिए। तो किसान भाइयों, अभी मैंने बताया कि जो 7 महीने के इस समय पौधे हैं, जिनकी हमने प्लांटेशन जून के अंत या जुलाई में की थी पिछले वर्ष 2019 में, उनकी अब कटिंग का समय है। तो उनमें कटिंग करिए और उनमें खाद पानी लगाइए और उनकी देखरेख करिए। आप ड्रिप से पानी देते हैं तो हर चौथे पांचवें दिन उनमें पानी दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जब भी आवश्यकता हो, जैसे राजस्थान और ये गुजरात का एरिया है, उनमें पानी की जल्दी आवश्यकता होती है, हमारी और थोड़ी कम आवश्यकता होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बड़े पौधे हैं, जिनकी मैंने जून 2018 में प्लांटेशन की थी, उनका मैंने क्या किया। चलिए अपने फार्म की सैर कराता हूँ आपको। ये देखिए, ये वही चिर परिचित जगह है। ऊपर 2 ड्रम मेरे वेस्ट डिकम्पोजर के रखे हैं, ये मेरा ड्रिप सिस्टम है और ये मेरा बंसी गेहूं है जो मैंने इस बार लगाया है, और ये मेरा वो खेत है अमरूद का जो मेन है, जिसमें ये नींबू की बाड़ हुई है। मैंने इसमें थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन किया है, यानी इसे पुनः स्थापित किया करने की कोशिश की है। जो ये 3 लाइन देख रहे हैं आप, ये देखिए 1, 2 और ये 3, ये ब्रोकली जो बीच में है इसके एक और एक लाइन है, मतलब इसके जो उत्तर दिशा में है जिधर नींबू की साइड है, 2 लाइनें हैं, और एक इसके दूसरी तरफ है, सिंगल लाइन है। ये जो बड़े वाले पेड़ हैं इनकी बराबर में देखिए, ये मैंने 8x10 पर कर दिए। मेरे लाइन से लाइन के बीच की दूरी 8 फीट थी और ये मैंने 8x10 पर कर दीजिए। जो पहली 2 लाइनें हैं, मैं आपको अभी और क्लोजअप भाइयों, ये जो लाइन लग रही है, ये जो मेरे एक दाईं तरफ है ये हाई डेंसिटी की लाइन है और मेरे बाईं तरफ भी हाई डेंसिटी की लाइन है। यानी अब इन 2 हाई डेंसिटी की लाइन के बीच में 16 फीट की दूरी है बीच में। तो मैंने इन दोनों के बीच की एक लाइन निकाल दी। ये देखिए पौधे मैंने काट दिए, क्योंकि इसके 2 कारण हुए। एक तो मुझे जो हाई डेंसिटी में अमरूद लगते हैं
मेरी वो वैरायटी नहीं लगी। मैंने लगाया ललित, कुछ आ गया उसमें बर्फ़ खान, और कुछ था उसमें L49 और कुछ था जी विलास। ये एक वृक्षाकार पौधा होता है, इसे हाई डेंसिटी पे करना बहुत मुश्किल का काम होता है। हाई डेंसिटी की वैरायटी अगर आराम से करना चाहते हैं, जैसे VNR है और थाई पिंक है और ये ताइवान पिंक है, ये वैरायटी आप हाई डेंसिटी पर लगा सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 10x8 से कम ना लगाएं। तो ये पौधा देखिए, अब आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने दो बार, कुछ किसान भाइयों ने लिखा त्यागी जी आजकल आप अपने बाग की फ़ोटो नहीं दिखा रहे, आज मैं आपको पूरा विस्तार। ये देखिए, ये पौधा है, ये अलाहाबादी सफ़ेदे का पौधा है, जिसे मैंने रीप्लांट यानी पुनः विस्थापित किया है उस वाले बाग से जिसमें चने हैं। वहाँ से मेरी 12 लाइन थी और 12 में से 9 लाइन मैंने निकाल कर इधर लगाई है। तो ये पौधा है, और इसके बाद ये पौधा देखिए, तो इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद ये पौधा है, फिर ये दूसरा पौधा है 5 फीट पे, फिर ये तीसरा पौधा है 5 फीट पे, फिर ये चौथा पौधा, यानी मेरे पौधे से पौधे के बीच की दूरी 15 फीट हो गई, जो कि एक बहुत अच्छी दूरी है। और जब 2 साल में, अब की बार सर्दियों तक ये पौधे अच्छे खासे बड़े, जितने बड़े ये पौधे हैं इतने हो जाएंगे, तो मैं इनके सामने वाला एक पौधा, ये वाला हटा दूंगा और इसके सामने वाला ये पौधा हटा दूंगा अगले साल, फिर इससे थोड़े फल लूँगा, और अगले साल ये जो मेरी हाई डेंसिटी के पौधे हैं इनसे फल लेकर अगली सर्दियों यानी 2021 की सर्दियों के फल लेकर ये लाइन मैं पूरी ख़त्म कर दूँगा। तो मेरा ये बाग आप देखेंगे, ये मेरा बाग 16x15 का हो जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये लाइन है फिर मेरी, और इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में मेरी एक ये लाइन हाई डेंसिटी की है, ये देखिए इसको। तो किसान भाइयों, मैंने जो ड्रिप लगाई है वो जो अभी छोटे पौधे हैं उनमें है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या अरेंजमेंट। ये देखिए, ये हाई डेंसिटी की लाइन है, अब ये हमारी एक 15x16 की लाइन बचेगी, ये पौधे हैं। इसमें देखिए आप, मैंने 2 ड्रिप डाल रखी है, तो जो आज के बाद पानी आएगा यानी पूरी लगभग 1 हफ्ता फरवरी का बचेगा, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल, जो 2 महीने पानी आएगा वो सिर्फ इस लाइन में आएगा, और ये जो हाई डेंसिटी की लाइन है इसमें हम पानी नहीं देंगे। जो छोटे पौधे हैं कुछ, जैसे ये पौधा है, ये बहुत अच्छा पौधा हो जाएगा अगले वर्ष तक, और इसमें इस साल हम सर्दियों में कुछ फल भी लेंगे, तो इसमें मैं खाद डलवाकर, इसमें मैं हाथ से पानी डलवा दूंगा, बहुत कम पौधे हैं। तो फिर ये एक लाइन आ गई, इसमें मैंने 2 पाइप इसी तरह डलवाए हुए हैं ड्रिप के, फिर ये मेरी हाई डेंसिटी की लाइन है, और फिर ये मेरी ये हो गई। तो किसान भाइयों, अगले वर्ष, इस साल की मैं सर्दियों की फसल लूँगा अपनी हाई डेंसिटी से, इन पौधों की कटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, जो हाई डेंसिटी वाले हैं इनकी कटिंग मैं मई के प्रथम सप्ताह या अप्रैल के एंड में करूँगा, और तब उनमें खाद पानी दूँगा। और ये जो पौधे हैं इनमें आज पानी चलेगा इस पूरे खेत में, और जब ये मतलब थोड़ा सा खुरपा चला निराई लायक होगा उस टाइम मैं खाद पानी दूँगा। चूँकि ये पौधे मैंने पुनः विस्थापित किए हैं इसलिए मैं इनकी कटिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, इनकी कटिंग लगभग 8 दिन बाद होगी, 8 से 10 दिन बाद होगी, जब ये खेत ठीक हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार मैंने अपने खेत को, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है, मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। एक है हाई डेंसिटी, जिसमें मैंने ताइवान पिंक और थाई पिंक लगाया है, और बाकी ये जो लाइन है 1 और 2, और इससे नेक्स्ट है ये तीसरी लाइन। ये जो पौधा है जिसकी मैंने अभी कटिंग करा आपको दिखाया था, ये मेरा धवल है, धवल वैरायटी है 3 लाइन में, और इसके बाद जो इससे पहले है वो 3 लाइन मेरी सफ़ेदा की हैं, और इस खेत में दूसरी तरफ जो है मेरी, इसी प्रकार 3 लाइनें मेरी उसकी है, जो श्वेता है उसकी है। तो मुझे ये भी पता चल गया अब कि कौन सी वैरायटी है, और ये जो पौधे हैं ये छोटे वाले, ये मैंने जयश्री नर्सरी, जो शैलेंद्र सिंह रघुवंशी हैं जिनका हमारा, जो हमारे अमेजिंग किसान टेलीग्राम पर सदस्य भी हैं हमारे ग्रुप के, उनकी नर्सरी से मंगाया था। जितनी भी लोगों को मैंने ये नर्सरी बताई है आज तक उन्होंने किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की,
और पौधे वीनियर ग्राफ्टिंग से मंगाते बनाते हैं पौधे, और वीनियर ग्राफ्टिंग के पौधे थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इसमें सक्सेस रेट 70% के आसपास आता है, लेकिन पौधे बहुत अच्छे थे। तो किसान भाइयों, ये था मेरा आज का वीडियो अमरूद की बागवानी पर, और फरवरी माह में पौधों की कटिंग, किन पौधों की करनी चाहिए। अगर जिन भाइयों को उनके लगभग 20 माह के या 2 वर्ष या उससे बड़े पौधे हैं, तो ये कटिंग का बस अंतिम चरण चल रहा है अगर उन्हें बरसात की फसल लेनी है। अगर उन्हें बरसात की फसल लेनी है तो उन्हें अभी कटिंग कर देनी चाहिए। ये देखिए कितने कल्ले आ रहे हैं इन पर, मैं इनको तुड़वा दूंगा क्योंकि मुझे बरसात की फसल नहीं लेनी है। और उन पौधों की कटिंग करिए जो आपने या तो जून 2019 में लगाए हैं या अक्टूबर 2019 में लगाए हैं, उनकी कैनोपी बनाने का काम किए। किसान भाइयों, मुझसे कोई भी सवाल पूछने से पहले मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी वेबसाइट है amazingkishan.com, वहां पर हमारा अमरूद की बागवानी भाग एक और भाग दो अवश्य पढ़ें, ये पौधों की कटिंग और कैनोपी के ऊपर है। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।